नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट नाइन स्पेशल में और मैं हूं आपका अपना रजत। दोस्तों, आज की हमारी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आपको काला जादू, काले टोटके, तंत्र मंत्र से कैसे बचना है। इन तमाम चीज़ों के बारे में आज हमारी इस रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हम आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारी सभी नई वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की इस वीडियो की। हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप हमारी इस वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों, आज की हमारी इस रिपोर्ट में हम आपको बता रहे हैं कि आपको अगर किसी भी प्रकार का नज़र दोष है, अगर आपको किसी भी प्रकार का नज़र दोष हो जाता है तो आपको उसको कैसे दूर करना है। दोस्तों, इस दुनिया में तमाम चीज़ें हैं, नेगेटिव एनर्जी के साथ साथ पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव का जो कॉम्बिनेशन है वो हमेशा बना रहता है। अगर यहाँ पर परमात्मा है तो यहाँ पर भूत प्रेत जैसी बातें कोई कहानियाँ नहीं, ये तमाम चीज़ें सच हैं। लेकिन दोस्तों, कई लोग इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों किस तरीके से आपको नज़र दोष हो जाता है, किस तरीके से अगर कॉमन लैंग्वेज में या कॉमन भाषा में कहें या बताएं कि जो नज़र दोष होता है वो एक प्रकार से किसी की बुरी नज़र लगना होता है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि कोई इंसान किसी भी चीज़ को अगर बहुत ही टकटकी बांध के देखता रहे या बहुत ही कह सकते हैं ध्यानपूर्वक देखे तो उस कंडीशन में कभी कभी ऐसा होता है कि उसकी दिल की भावनाएं आहत हो जाती हैं और व्यक्ति को नज़र लग जाती है। क्योंकि नज़र उस व्यक्ति की लगती है जो दिल से अपनी भावनाओं को नहीं निकालता और दिल में ही रख लेता है। इन तमाम चीज़ों की आज हम हमारी इस रिपोर्ट में चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपको इस नज़र दोष से कैसे बचना है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपसे ये निवेदन करना चाहेंगे कि जो भी हम जानकारी देते हैं वो हम पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार और अन्य सोर्सों के माध्यम से हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं आज की हमारी इस रिपोर्ट की। दोस्तों, अगर किसी को नज़र लगी हुई है और वो नज़र से लगातार परेशान है तो उसको मंगलवार के दिन हनुमान के मंदिर जाकर, मंगलवार के दिन जब वो हनुमान के मंदिर जाए तब उसको क्या करना है कि हनुमान जी के दाहिने कंधे का सिंदूर लगा ले। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन की जितने भी कष्ट हैं, व्यक्ति के जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं वो पल भर में दूर हो जाएंगी और व्यक्ति नज़र दोष से भी मुक्त हो जाएगा। इन तमाम चीज़ों की जो जानकारी, जो व्याख्या है वो कई लोग बताते हैं, कई तांत्रिक, कई पंडित, कई शास्त्री इन तमाम चीज़ों की पुष्टि करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कि मंगलवार के दिन आप भगवान महावीर के मंदिर पर जाएं और भगवान महावीर के दाहिने कंधे पर से छुटाकर सिंदूर लगा लें। ऐसा करने से आपके सभी नज़र दोष दूर हो जाएंगे। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि कलयुग में हनुमान भगवान को सबसे ज़्यादा माना जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ये अजर अमर देवता हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपको अगर किसी भी चीज़ का नज़र दोष है, आपको नज़र से आप ग्रसित हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, मंगलवार के दिन आप हनुमान के मंदिर जाइए और वहां से हनुमान जी के दाहिने कंधे से सिंदूर छुटाकर अपने तिलक पर धारण कर लीजिए। ऐसा करने से आपके तमाम नज़र दोष ख़त्म हो जाएंगे। दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूँ कि जो हनुमान हैं, हनुमान चालीसा में कहा गया, श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरुण रघुवर विमल जसु जोदायक फलचार, बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरो कलेश विकार। हनुमान चालीसा की जो पहली पंक्ति है ये है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमित निवार सुमित के संगी। दोस्तों, इन तमाम चीज़ों की जो हनुमान का जो भक्त होता है, हनुमान का जो उपासक होता है, ये जो है व्यक्ति को उसके तमाम संकटों से
दूर करता है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इस बात का ये प्रमाण है कि सभी कष्टों से भूत पिशाच का हो या कोई जादू मंत्र हो या टोने टोटके हो, इन तमाम चीज़ों से बजरंगबली छुटकारा दिलवाते हैं। तो दोस्तों आपको ये नियम जरूर फॉलो करना है, मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन आपको भगवान हनुमान के मंदिर जाना है, महाबली हनुमान के मंदिर जाकर उनके दाहिने कंधे से सिंदूर छुटाकर लगा लीजिए। आपके सभी नज़र दोष, आपके सभी भी कोई भी अगर आपके किसी प्रकार की नज़र लगी हुई है या कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास भटक रही है, तो ऐसा करने से आपको लाभ होगा और आप निश्चित तौर पर एक अच्छी ज़िंदगी जी पाएंगे। दोस्तों ये तमाम चीज़ें जो होती हैं वो हमारी आस्था पर निर्भर करती हैं, हम कितना किस पर विश्वास करते हैं ये भी इस चीज़ पर निर्भर करता है। तो दोस्तों कोई भी काम कीजिए हमेशा विश्वास के साथ, भरोसे के साथ और आस्था के साथ कीजिए, तो आप देखिएगा निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। आप कोई भी पूजा या पाठ या हवन या कुछ भी करते हैं तब आपका विश्वास और श्रद्धा बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अगर आपका भगवान पर भरोसा है, अगर आपका विश्वास है कि ऐसा करने से ये हो जाएगा, तो वो बात सच में साबित होती है, क्योंकि आपकी जितनी भी पॉजिटिव ऊर्जा है वो वहीं पर ग्रहण हो जाती है और ऐसा काम हो जाता है। तो दोस्तों बजरंगबली की कृपा से आपकी जितनी भी आपके आसपास कोई भी नेगेटिव एनर्जी है या कोई भी आप पर नज़र दोष हुआ है, तो ऐसा करने से मतलब महावीर के दाहिने कंधे से, भगवान हनुमान के दाहिने कंधे से सिंदूर छुटाकर आप लगा लीजिए, तो आपको तमाम नज़र दोषों से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों महावीर हनुमान को कष्ट निवारण और तमाम संकटों को निवारने वाला देवता माना गया है, क्योंकि उनका जो पूजा होती है वो पूरी निष्ठा और पूरे ब्रह्मचर्य के साथ की जाती है। अगर आपको तमाम नेगेटिव एनर्जी से बचना है, तमाम ऐसी नेगेटिव धारणाओं से बचना है, तो आपको बजरंगबली की पूजा करनी चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में भी पॉजिटिव वातावरण होगा और आपके आसपास भी एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो जाएगा और आप अपने जीवन में एक सफलता को हासिल करेंगे और आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा भर जाएगी। दोस्तों आप पूरी निष्ठा के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी आस्था के साथ भगवान पर भरोसा रखिए, क्योंकि ऐसा माना गया है कि आत्मा में ही परमात्मा का निवास है। तो अपनी आत्मा को हमेशा शुद्ध रखिए, अपनी आत्मा को हमेशा आप शुद्ध पूजा और पाठ से रख सकते हैं, क्योंकि पूजा पाठ करने से आपके अंदर एक आध्यात्मिक ऊर्जा जन्म लेती है जो आपको अध्यात्म की ओर ले जाती है। तो दोस्तों आपको अध्यात्म की ओर ले जाने से बिल्कुल कतई परहेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अध्यात्म ऐसी प्रक्रिया है जिससे आपको शांति मिलती है। कहते हैं कि पूजा करने के बाद कई लोग अपने आप को बहुत ही हल्का महसूस करते हैं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जितनी भी नेगेटिव एनर्जी मतलब 24 आवर्स की नेगेटिव एनर्जी जो होती है वो निकल जाती है और इंसान हल्का सा महसूस करता है। इसलिए रोज़ पूजा पाठ कीजिए, पूरे श्रद्धा के साथ कीजिए। दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मैं आशा करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। मुलाकात होगी आपसे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए मैं रजत आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।